एवरीवन, माय नेम इज इंद्र एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक यू टू मनदीप, मतलब मनदीप की वजह से हम संडे को इसे घर रुक रहे हैं हरिद्वार के अंदर। तो गाइस आज हम आए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार, तो वहां जाएंगे, शायद मैं स्नान लूंगा, शायद भाई मैं इनको उठा के फेंक दूंगा। पानी बहुत ठंडा है और वहां के थोड़े ग्लिम्स दिखाऊंगा, थोड़े सिनेमैटिक शॉट लेंगे, थोड़ा सा आप समझ लो यार, भगवान के पास लेके चलेंगे आपको, गंगा जी के दर्शन करेंगे। चले भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो। तो भाई अब यहाँ से रास्ता है हर की पौड़ी का, थोड़ा अंधेरा है, आगे रोशनी मिलेगी और आगे देखने को मिलेगा। मेन मंदिर है जहाँ पे आरती होती है। प्रार्थना है उनके परिवार में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखते। ये गंगा तो भाई मैं तो शायद फर्स्ट टाइम आया हूँ हर की पौड़ी, मैं लास्ट टाइम यहाँ नहीं आया था, तो अब शायद स्नान करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई साहब, देखो ये कोशिश कर रहे हैं और इनको बोलो नाले ऊपरों शायद पानी अंदर डालने की कोशिश करेंगे, अगर लेंगे जिंदगी में जो पाप करें ना यहाँ आके सब धुल जाए। ठीक है भाई, चलो फिर गोप्रो पानी के अंदर लेके चलते हैं। भाई फाइनली मैं डुबकी लेने जा रहा हूँ भाई, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, पर ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा। अरे भाई फ्लो बहुत तेज है, चलो अंदर जा रहा हूँ भाई मैं फाइनली। घर की पौड़ी में मैंने डुबकी ले ली है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पानी इनिशियली ठंडा लगता है पर आप एक बार जब डुबकी लेके बाहर आते हो तो आपको ठीक लगता है। सो कोई नहीं, आगे थोड़ी मार्केट दिखाएंगे, थोड़ा सा आपको हरिद्वार दिखाएंगे, बट इट्स अ रैंडम ब्लॉग जिसमें आपको मैंने हर की पौड़ी दिखाई है, वैसे अपना स्नान करते दिखा रहा हूँ पर आपको थोड़ी मार्केट दिखाएंगे। भाई अब स्नान करने के बाद भाई अपना मार्केट घुमा रहा है, तो मार्केट घूमेंगे, मार्केट के ग्लिम्स दिखाएंगे और मार्केट थोड़े शॉर्ट दिखाएंगे और कहीं पे लंच भी करेंगे, सॉरी लंच नहीं, डिनर करेंगे। और एक और बात यार, गलती से ना यहाँ पे नॉनवेज मत पूछ लेना भाई, क्या थी ना यहाँ पे, यहाँ पर आप हरिद्वार के 5 से 6 किलोमीटर के एरिया के बीच में नॉनवेज और लिकर नहीं अलाउड है भाई, याद रखना, क्योंकि ये भाई भगवान का एरिया कह लो एक तरह से, गंगा का एरिया है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर के अंदर तो नहीं मिलती, तो आउट ऑफ सिटी ही मिलेगा जो मिलेगा। अगर आपको लिकर या फिर चिकन चाहिए तो हरिद्वार से 6 किलोमीटर पहले खा पी के आइए, या फिर हरिद्वार पूरा पार करने के बाद राय वाला ही मिलेगा। और ये सारी हरिद्वार की मार्केट है मेन, तो भाई अभी हम हरिद्वार में हैं और सुबह सुबह निकल रहे हैं, दीज आर ऑल दी 3 बाइक्स, अनुज, मनदीप और अपनी बुलेट, मैं स्कूटी चला रहा हूँ मनदीप कह रहा बाइक चलाने में क्या चलाओ यार। तो रात को हम यहीं रुके थे और हरिद्वार में अभी हम यहाँ से वो तो हाईवे तक छोड़ रहे हैं हमको, वहाँ से हम अपनी बाइकों पर दिल्ली तक वापस, आई थिंक 3-4 घंटे लगेंगे, सुबह के बज रहे हैं 6 और थोड़ी मैं स्कूटी भगाता हूँ भाई, स्कूटी में कोई कॉन्फिडेंस है नहीं इतना क्योंकि ब्रेकिंग में को समझ नहीं आती।
भाई अब गंगा किनारे आए हैं, छोटा सा एक पुल है, इस पर आप फोटो खिंचवा सकते हो। मनदीप के घर रुके थे सुबह, हम उठे थे 5 बजे, अब 6 बज गए, हम निकल रहे हैं यहाँ से। दिस इज़ अ व्यू एंड दीज आर ऑल दी बाइक्स। थैंक यू सो मच, ओके मिलते हैं क्या। चल भाई, सो गाइस दिस वाज द डे 3। डे 3 में कुछ नहीं था, हम कल रात हुए थे हरिद्वार, हर की बॉडी की। मैंने थोड़ी सी गोप्रो से फुटेज ली थी क्योंकि प्लान नहीं था कुछ व्लॉग बनाए, पर थोड़ा बहुत बनाया तो शायद अपलोड कर दूँ। सो अनुज इज़ रेडी, आई एम रेडी, बाइक ही गर्म कर ली हमने, अब बस धीरे धीरे हाईवे पे चलेंगे। मनदीप हमको छोड़ने आया था यहाँ तक, अब बाइक मोड़ते हैं। कितना क्यूट पपी है, कितना क्यूट पपी है। कुकू कितना प्यारा है तू, हाँ कितना प्यारा है यार, ये शक्ल देखो इसकी, हाँ कैसे ठीक है, कितना प्यारा है यार, मिलने से पहले खुश हो गया। मतलब मैं डॉग लवर, तुमको कुत्ते बहुत प्यारे लगते हैं। अरे कुकू कितना प्यारा है तू यार, कहाँ पर है बेचारा, ध्यान रख अपना, मिलते अगले साल ठीक है। चलो गाइस अलविदा कहने का वक्त, हरिद्वार को, इस पावन जगह को। अब सामने हाईवे, वहाँ से बस राइट लेना है और हवा चल रही है ठंडी, रास्ते में कुछ बढ़िया लगा तो आपको दिखा देंगे। भाई बहुत ठंडी हवा लग रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सुबह बहुत ठंडा है, रात की ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। कागज दिखा देता हूँ आपको, पेपर दिखा दो, सर ग्लव्स पहने, बस देख लो सारे इसमें, आप दिखा सर, ये देख लो पोल्यूशन RC लाइसेंस दे रहा हूँ मैं, RC इंश्योरेंस पोल्यूशन, ठीक है तो भाई फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, अनुज भाई अक्षरधाम अपना हाईवे। एक बार गोप्रो चेक कर लूं, कैसा लगा फिर आपको बाइक पे पहली बार? बहुत बढ़िया लगा यार, फर्स्ट ट्रिप थी, अच्छा लगा। अच्छा। इजी नहीं होता, इजी नहीं है भाई, देखो ध्यान रख के चलानी होती है, देखो गाड़ी में जाना एक सुकून वाला काम है। हाँ ये है बस, बाइक पे जाना है। पर यार जो वहाँ पे रिएक्शन मिले ना बाइक्स को देख देख के लोगों के, भाई मतलब हम कैप्चर नहीं कर पाए कि हम जाते हैं लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, वो बहुत अमेजिंग थे यार। भाई आपने वो देखा था जो वापस मुजफ्फरनगर से आ रहे थे, कितने सारे लोग, बहुत बहुत भाई। तो ये गाइस हम खुद फील करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, पर बाइक्स का रिएक्शन मिलता है पहाड़ों पे और सिटीज के अंदर, वो बहुत ही अल्टीमेट है। तो फाइनली वी हैव रीच दिल्ली अक्षरधाम है, अनुज मेरे को मेरा सामान देगा, यहाँ से मैं जाऊँगा घर, आधा घंटा लगेगा मेरे को, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ अवर छोटा सा ट्रिप। चलते हैं घर, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे, या देखते हैं जल्दी से ब्लॉग आएगा अपना, ठीक है तू बैग दे दे मेरा, ठीक है गाइस। तो होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, दिस इज़ योर फ्रेंड इंदर विद अनुज, मेरी फर्स्ट राइड ऑन माई सुपर बाइक टू अ डिफरेंट सिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देन स्टे ट्यून्ड।